Hello, I'm back. I hope you are doing very well. पिछले वीडियो में टाइम और टेंस के टॉपिक को बिल्कुल शुरू किया है, अब उसको आगे बढ़ाते हैं. ये बोर्ड पे लिखा हुआ है जहाँ छोड़ के गया था मैं पिछले वीडियो में, कि टेंस दो चीज़ों से, टाइम और एस्पेक्ट के मिलने से बनता है. टेंस होता क्या है? वर्ब कंपोनेंट के 20 ऐसे स्वरूप होते हैं जिनको हम टेंस बोलते हैं, और ये 12 टेंस हैं एक्टिव फॉर्म. इनके 8 पैसिव रूप भी होते हैं, 12, 8, 20 मिलके बनते हैं. और बात हमें ये करनी है कि ऐसे अर्थ भाव वाले वाक्यों का, इस तरह के वर्ब कंपोनेंट्स का क्या स्वरूप होता है, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, बोलते हैं. आइए सीखते हैं इसके बारे में हम लोग. देखिए, सबसे पहले हम इसमें से क्या सीखना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीखना चाहेंगे इसमें से कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में सीखना चाहेंगे, और परफेक्ट के बारे में. आज के वीडियो में हम आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में सिखाते हैं. उसके बाद हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे और इंडेफिनिट सीखेंगे. तो मैं इन दोनों को मिटाता हूँ क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में आज पढ़ना है. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है. चलिए, जो वर्ब कंपोनेंट बनता है, लिख रहा हूँ के लिए, इस वर्ब कंपोनेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है इज, एम, आर या वॉज, वर या विल, शैल, बी. अगर देखें आप तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी क्रिया ही है, बी से अलग नहीं है. ये हेल्पिंग वर्ब हो गए. मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे एग्जांपल के लिए डूइंग. ठीक है, ये है एक्टिव. और अगर पैसिव होगा तो पैसिव कैसे होगा? तो पैसिव हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि बीइंग डन, ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म. तो एक्टिव लिखना हो तो ये लिखेंगे, पैसिव लिखना हो तो ये लिखेंगे. अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए लिखना है कि लिख रहा हूं, अब ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का एंजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस है, विल शैल बी प्लस वर्ब का एंजी फॉर्म भी फ्यूचर कंटिन्यूअस है. तो जैसे लिख रहा हूं कि मैं उपन्यास लिख रहा हूं, या मैं उपन्यास लिख रहा था, मैं उपन्यास लिख रहा हूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे बनेगा इनका? तो देखिए, मैं आई लिख रहा हूँ, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है. और मेन वर्ब के रूप में, अच्छा, लिख रहा हूँ क्या है? एक्टिव है, ये एक्टिव हो इसके लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पैसिव के लिए बीइंग प्लस डन. तो लिख रहा हूँ एक्टिव है, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाइए, तो लिखना का राइट होता है, और राइट में आप आईएनजी लगाइए तो क्या बनेगा? राइटिंग. तो आई एम राइटिंग, में लिख रहा हूँ क्या? उपन्यास और नॉवेल. ठीक है, मैं उपन्यास लिख रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस. तो आई, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर लगता है, तो आई के साथ रीति है वॉज लगाने की, तो आई वॉज लिख रहा, लिखना का राइट होता है, राइट में एनजी लगाइए, तो आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा
था क्या? अ नॉवेल, एक उपन्यास। मैं उपन्यास लिख रहा हूँगा तो आई, आई के साथ विल शैल दोनों आ सकता है, तो आई विल भी लिख सकते हैं आप या आई शैल भी लिख सकते हैं। आई शैल बी वर्ब का एनजी फॉर्म लिखना का राइट होता है, राइट में एनजी फॉर्म लगाइए तो बन जाएगा राइटिंग। आई शैल बी राइटिंग, में लिख रहा हूँगा क्या? ए नॉवेल, एक उपन्यास। ठीक है जी, अब मैं ये एक्टिव वॉइस है, ये तीनों के तीनों जो लिखे गए हैं ये एक्टिव वॉइस हैं। अब मैं इनका पैसिव लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना, कि इनका पैसिव कैसे होगा। मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, इसका पैसिव हो गया कि उपन्यास, जैसे एक उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ये पैसिव है। अब आप इसका लिखाइए इंग्लिश, एक उपन्यास तो क्या हो जाएगा? अ नॉवेल, एक उपन्यास लिखा जा रहा है। तो नॉवेल हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज। अब जब पैसिव वर्ब होता है तो पैसिव के लिए मेन वर्ब के रूप में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीइंग इज बीइंग, लिखा जा रहा, तो लिखना का राइट होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। तो ये हो गया कि अ नॉवेल इज बीइंग रिटन, एक नॉवेल इज बीइंग रिटन, लिखी जा रही है मेरे द्वारा, बाय मी। तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही मैं उपन्यास लिख रहा था, इसका पैसिव क्या हो गया? इसका पैसिव हो जाएगा एक उपन्यास, एक उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा था। तो एक उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, एक उपन्यास और नॉवेल, पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर आ जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज, लिखा जा रहा था पैसिव है तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। तो अ नॉवेल वॉज बीइंग रिटन, एक नॉवेल, एक उपन्यास लिखा जा रहा था मेरे द्वारा, बाय मी। ये आपका क्या है? तो ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर। इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसे वाक्य रचना होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव सेंटेंसेस की रचना कैसे होगी, ये हमने इसका वर्ब कंपोनेंट का स्वरूप लिखा। अब हम लोगों के लिए ज़रूरी है थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अभ्यास किया जाए, इन सेंटेंसेस को मिटा के कुछ नए सेंटेंसेस लिखे जाएँ और देखें कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। कुत्ता, कुत्ता है ना, रॉबर्ट, कुत्ता रॉबर्ट पर भौंक रहा था। ठीक है, लकड़ी के लट्ठे ट्रक में लादे जा रहे थे। मैं चाहे रवि के पिताजी तब मेरा इंतज़ार, आगे की बात है फ्यूचर, तब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके भाई को यह पुरस्कार दिया जा रहा है ना। मैं
उनके आगमन का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए बनाइए जरा इसका फटाफट। तो कुत्ता रॉबर्ट पर भौंक, अच्छा ये बताइए भौंक रहा था एक्टिव, लकड़ी के लट्ठे ट्रक में लादे जा रहे थे। देखिए लादना एक्टिव होता है, लादा जाना पैसिव होता है, तो पैसिव हो गया। रवि के पिताजी तब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार कर रहा हूँ ना एक्टिव है, एक्टिव वॉइस। उसके भाई को यह पुरस्कार दिया जा रहा होगा, देना एक्टिव होता है, दिया जाना पैसिव होता है, तो ये क्या है पैसिव स्ट्रक्चर है। मैं उनके आगमन का इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ ना एक्टिव है। चलिए अब फटाफट इनका स्ट्रक्चर बनाइए। कुत्ता रॉबर्ट पर भौंक रहा था, कुत्ता द डॉग वॉज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज, एक्टिव वॉइस है भौंक रहा था, वर्ब का एनजी फॉर्म, भौंकना का क्या होता है बार्क, तो बार्क में एनजी लगाएंगे तो क्या होगा बार्किंग, तो द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था रॉबर्ट पर, एट रॉबर्ट, रॉबर्ट पर। लकड़ी के लट्ठे ट्रक में लादे जा रहे थे, लकड़ी के लट्ठे द लॉग्स ऑफ वुड, लॉग्स ऑफ वुड लकड़ी के लट्ठे, वर भाई प्लूरल है ना लॉग्स, वर लादे जा रहे थे, तो वर बीइंग पैसिव है ना बीइंग, लादना का क्या होता है लोड, तो लोड का थर्ड फॉर्म हो गया लोडेड, तो द लॉग्स ऑफ वुड वर बीइंग लोडेड, लकड़ी के लट्ठे वर बीइंग लोडेड, लादे जा रहे थे ट्रक में, इन द ट्रक या ऑन द ट्रक, ठीक है। रवि के पिताजी तब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, रवि के पिताजी तो रवीज फादर, इंतजार कर रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा विल बी, एक्टिव वॉइस है इंतजार करना, वेट का एनजी फॉर्म लिखिए, तो विल बी वेटिंग, रवि के पिताजी विल बी वेटिंग, इंतजार कर रहे होंगे मेरा फॉर मी। उसके भाई को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, उसके भाई को हिज ब्रदर इज, हेल्पिंग वर्ब इज, पैसिव वॉइस है तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, देना का गिवन, तो हिज ब्रदर इज बीइंग गिवन, उसके भाई को दिया जा रहा है यह पुरस्कार, दिस अवार्ड, ठीक है। मैं उनके आगमन का इंतजार कर रहा हूँ, तो आई, आई के साथ क्या होगा एम, इंतजार करना वेट, उसका एनजी फॉर्म, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके आगमन का, फॉर हिज अराइवल, अराइवल मतलब आगमन, तो मैं उनके आगमन का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हिज अराइवल। अब हम लोग जो है कुछ और सेंटेंसेस करेंगे जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रचना करेंगे, ठीक है। तो देखिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये सारे के सारे कौन से टेंसेस हैं, सारे के सारे ये कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं कोर्स बना रहा हूँ बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसमें जो है एक्सरसाइज ढेर सारा है, तो अभी मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, लेकिन उसमें ढेर सारे एक्सरसाइजेज हैं, तो अगर वो कोर्स कोई ख़रीदता है तो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज रहेगा, जरूरी होता है ना अभ्यास, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। चलिए कुछ सेंटेंसेस अब इस पे और कर लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जैसे सब उनकी निंदा कर रहे हैं, सब उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आप, क्या आप उनसे बहस कर रहे थे, क्या आप उनसे बहस कर रहे थे, क्या गाय आपके खेत में नहीं चर रही थी, नहीं चर रही थी, क्या हम लोग
उचित काम कर रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं, है ना। वह यहाँ कब आ रहा है, वह यहाँ कब आ रहा है, तुम उसे क्यों पीट रहे थे, पीट रहे थे, क्या क्या यह क्लास, क्या यह क्लास तब चल रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सब उनकी निंदा नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पहले एक्टिव पैसिव बताइए। निंदा कर रहे हैं एक्टिव है, पैसिव क्या होगा, निंदा किया जाना, निंदा कर रहा होना एक्टिव है, निंदा किया जा रहा होना पैसिव होता है। क्या आप उनसे बहस कर रहे थे, बहस कर रहा होना एक्टिव है ना। बहस किया जाना क्या होगा, पैसिव होगा। ये सारे के सारे एक्टिव हैं अगर आप देखेंगे तो, है ना, सब के सब। इनकी रचना देखते हैं, सब उनकी निंदा कर रहे हैं, ऑल, ऑल आर, ऑल के साथ आर प्रेजेंट है ना, है आर। निंदा करना क्या होता है, क्रिटिसाइज, तो ऑल आर क्रिटिसाइजिंग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑल आर क्रिटिसाइजिंग हिम, सब उनकी निंदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो ऑल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, ऑल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, सब उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। क्या आप उनसे बहस कर रहे थे, जब आपको पता है कि क्या आ जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव, क्या कर रहे थे, हाँ नहीं, यस नो आंसर वाला, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो क्या आप उनसे बहस कर रहे थे, आप बहस कर रहे थे, तो वॉज वर ना हेल्पिंग वर्ब, आपके साथ यू के साथ क्या होता है, वर, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लीजिए, वर, वर यू, बहस करना क्या होता है, आर्ग्यू, तो आर्ग्यूइंग, वर यू आर्ग्यूइंग, क्या आप बहस कर रहे थे, आर्ग्यूइंग विद हिम, आर्ग्यूइंग विद हिम क्वेश्चन मार्क। क्या गाय उनके खेत में नहीं चल रही थी, हेल्पिंग वर्ब पहले, गाय के लिए क्या होगा, थी, वॉज होगा ना, तो वॉज, वॉज द काउ नॉट, वॉज द काउ नॉट ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब होता है चरना, है ना, तो वॉज द काउ नॉट ग्रेजिंग, क्या गाय नहीं चर रही थी आपके खेत में, इन योर फील्ड, आपके खेत में। क्या हम लोग उचित काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ वी के साथ आर लगता है ना, है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आर, आर वी डूइंग, करना, आर वी डूइंग, क्या हम लोग कर रहे हैं उचित काम, अ राइट थिंग, आर वी डूइंग अ राइट थिंग क्वेश्चन मार्क। वह यहाँ कब आ रहा है, कब, डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले होता है कब, तो वेन, वेन, हेल्पिंग वर्ब इज़ क्यों लिखा, क्योंकि वह है ना, ही के साथ तो इजी आता है, तो वेन इज़ ही कमिंग, कब आ रहा है वह, हेयर, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तुम उसे क्यों पीट रहे थे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाई क्यों, तुम उसे पीट रहे थे, तो यू के साथ वर लगता है, तो वाई, वाई वर यू बीटिंग, बीट मतलब पीटना होता है, तो वाई वर यू बीटिंग, क्यों तुम पीट रहे थे हिम, उसको। क्या वह यह क्लास तब चल रहा होगा, तो विल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, विल दिस क्लास, विल दिस क्लास बी रनिंग, क्या यह क्लास चल रहा होगा, विल दिस क्लास बी रनिंग, तब, देन। और जहाँ तक इसकी बात है ना, ये फ्यूचर वाले की, तो फ्यूचर वाला जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विल शैल के प्रयोग में, और ये वास्तव में टेंस होता नहीं है, पहले पढ़ भी चुके हैं, तो अब ज़्यादा इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए एक ही सेंटेंस लिखा हुआ था।
तो मुझे आशा है कि आप कंटिन्यूअस टेंसेस के एक्टिव पैसिव की रचना सीख लिए होंगे। आप कहें तो एक आध पैसिव और लिखते हैं आपके लिए, है ना, शिकायत आपकी ख़त्म हो जाए। तो एक आध पैसिव रचना और देखते हैं कि क्या यह किताब वहाँ तब बेची जा रही थी काम के लिए मजबूर नहीं किए जा रहे हैं, है ना? क्या उसका पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, उसे क्यों यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। चलिए, ये सब पैसिव रचनाएं हैं। क्या यह किताब वहाँ तब बेची जा रही थी, यह किताब बेची जा रही थी, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज वर्ब। यह किताब दिस बुक के लिए वॉज होगा ना, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। वॉज दिस बुक, क्या यह किताब बेची जा रही थी, पैसिव। तो पैसिव के लिए क्या है, बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वॉज दिस बुक बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल मतलब बेचना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। तो वॉज दिस बुक बींग सोल्ड, क्या यह किताब बींग सोल्ड बेची जा रही थी वहाँ, देर तब, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग काम के लिए मजबूर नहीं किए जा रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। वे लोग दे के लिए क्या होगा, हैं के लिए आर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ गया। आर दे नॉट, काम के लिए मजबूर किया जाना, मजबूर करना का क्या होता है, फोर्स। उसका पैसिव क्या होगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्स्ड। तो बीइंग फोर्स्ड, तो आर दे नॉट बीइंग फोर्स्ड, क्या वे मजबूर नहीं किए जा रहे हैं काम के लिए, फॉर द वर्क, काम के लिए, क्वेश्चन मार्क। क्या उसका पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। इज हिज मनी के लिए तो ईजी होगा ना, तो इज हिज मनी नॉट, बर्बाद करना, बर्बाद किया जाना, पैसिव, बींग वेस्टेड। इज हिज मनी नॉट बींग वेस्टेड, क्या उसका पैसा बर्बाद नहीं किया जा रहा है, उसे क्यों यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, क्यों, वाई, उसे, वह, इज होता है ना, वाई इज हेल्पिंग वर्ब, वाई इज ही नॉट, बुलाया जाना, पैसिव, बुलाना का क्या होता है, इनवाइट, उसका पैसिव होगा बीइंग इनवाइटेड। तो व्हाई इज ही नॉट बीइंग इनवाइटेड, क्यों उसे नहीं बुलाया जा रहा है यहाँ, यहाँ के लिए क्या होगा, हेयर। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स थे, और कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में ही टाइम लग गया, वीडियो बहुत लंबा नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे परफेक्ट टेंसेस की रचना के बारे में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।